प्रेज द लॉर्ड, सबका जय मसीह, स्पेशली पापा और मामी के लिए। तो मैं गवाही देने के लिए चाहता हूँ, पिछले अगले वाला संडे में मेरा मिसेस जो प्रेगनेंट था, एक्चुअली 9 महीना तो नहीं हुआ था उसको, 7 महीना चल रहा था। तो जिस दिन में संडे में हम लोग चर्च, हम उसको बोल रहा था चर्च नहीं जाने से, बाइक नहीं उठने से अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा, प्रभु है। तो मैं उसको कुछ नहीं बोला, चलो प्रभु है। फिर भी शाम को जाकर उसको पेन हुआ, फिर मंडे मॉर्निंग में उसको मेडिकल लेके चला गया। जाके फिर तेजपुर में जो मेडिकल में ले गया था, डॉक्टर ने बोला हम लोग नहीं सके हमें, साथ ही साथ उसको रेफर कर दिया TMC में। फिर TMC में गया उसको, फिर वहाँ में डॉक्टर ने उसका जो लेबर पेन रूम में घुसा दिया। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला नहीं, वो लड़का का जो बच्चा का है उसका हार्ट बीट नहीं हो रहा है, बहुत रिक्सी है और माँ का भी बहुत रिक्सी है। तो हमको बोला सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो मैं प्रभु का प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आपका इच्छा है तो जैसे हमको सिग्नेचर करने भी दे दिया आपको, तो मैं भी प्रे करके सिग्नेचर भी कर दिया। लास्ट में बोला जाके, थोड़ा 5 मिनट के बाद में बेबी ने रोने लगा, आमेन। तो बेबी फिर मिला है उसमें, और थोड़ा उसका वेट कम था क्योंकि 7 महीना का बच्चा था। साथ साथ उसका आई सी रूम में घुसा दिया, और करीबन 15 डेज वो आई सी रूम में था, और हम लोग लास्ट मंडे में डिस्चार्ज होकर आ गया। अभी तो ठीक है, और पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, सब चर्च का बिलीवर्स लोग किया था। मैं बहुत खुशी हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फिर सिस्टर थोड़ा अच्छा भी अभी है, फिर भी वो बच्चा अच्छा होने से फिर वो आ जाएगा, और आने से धूमधाम से हम लोग एक साथ में खुशियाँ भी मनाएगा, प्रभु का धन्यवाद देगा। तो यही छोटा सा गवाही, प्रेज द लॉर्ड।